कार्यकर्ताओं में आक्रोश, कोशिश कर रहे हैं पहले बैरिकेडिंग को किस तरह से बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं ने तोड़ा है। रांची से टीम के ऊपर चढ़ गए हैं, इनसे रिक्वेस्ट की जा रही है प्रशासन के द्वारा, प्रशासन के लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बैरियर से उतर जाएं, लेकिन कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं है। आप देखिए किस तरह से आक्रामक रूप दिखाई दे रही है कार्यकर्ताओं का, आप देखिए ठीक हमारे बाईं ओर में अमित, ये दिखाई किस तरह से कार्यकर्ताओं का हुजूम बैरियर तक पहुंच गई है। हालांकि जो बड़े नेता है वो अभी ठीक बैरियर के पीछे है, वो सब भी अभी ठीक यहाँ धुरवा के गोल चक्कर के पास पहुंच रहे हैं। हालांकि ये एरिया में 144 लागू है, लेकिन इस तरह की क्राउड जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ का जो नारा लगाया गया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, आज पूरे प्रदेश से आए कार्यकर्ताओं का जो हुजूम आज राजधानी रांची में देखने को मिली है उसका ये नजारा है। देखिए कार्यक्रम खत्म होते ही किस तरह से बैरियर को तोड़ने की कोशिश की जा रही है कार्यकर्ताओं के द्वारा। देखिए ये सीधी तस्वीर है हमारे न्यूज सेट बिहार झारखंड के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं अपने दर्शकों को। कार्यकर्ता पूरी तरह से आक्रामक दिख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव और सीधी तस्वीरें सबसे पहले आपको न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर दिखा रहे हैं। सहयोगी कुमार चंदन और सूरज मौके पर मौजूद हैं, पहले सूरज का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं ये बीजेपी कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए हैं। सूरज हाँ बिल्कुल दीपक, मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये गोल चक्कर का ये इलाका है और अभी यहाँ पर 144 लगी हुई है और खासकर जिस तरह से अभी कार्यक्रम के खत्म होने के बाद तुरंत के कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है किस तरह से बैरियर तक ये लोग पहुंच गया। देखिए बैरियर पार करने की कोशिश की जा रही है कार्यकर्ताओं के द्वारा, देखिए ये बैरियर पार करके कुछ कार्यकर्ता घुस गए हैं, ये देखिए प्रशासन के द्वारा उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, ये देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता को किस तरह से यहाँ पर रोका जा रहा है। काफी आक्रामक दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, ठीक हमारी दाई ओर आप देखिए किस तरह से देवघर के विधायक नारायण दास भी दिख रहे हैं, पार्टी महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष है आरती कुजूर, इसके अलावा कई नेता ठीक हमारे सामने नजर आ रहे हैं। आप देखिए कार्यकर्ताओं का हुजूम किस तरह से उमड़ पड़ी है और हालांकि देखिए इस एरिया में मैं आपको फिर से बताऊं इस एरिया में 144 लागू की गई है और ये धुरवा के गोल चक्कर का इलाका है, थोड़ी दूरी में सचिवालय है जहां पर ये सभी घराव करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें देखिए किस तरह से यहां पर बैरियर लगाकर रोका गया। ठीक हमारी देखिए किस तरह से फोर्सेस रैप के जवान सैप के जवान जिला बल सभी लोग यहां पर मुस्तैद है ताकि एक भी कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ के सचिवालय तक पहुंच ना पाए। ये तमाम जो प्रशासन के लोग आप देख रहे हैं ये सभी प्रशासन के लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने में लगी हुई है। ये देखिए जो तमाम कार्यकर्ता हैं ये सभी कार्यकर्ता से सरकार के खिलाफ ये सभी बीजेपी कार्यकर्ता गोलबंद हुए हैं और ठीक हमारे पीछे देखिए प्रशासन के लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं। तमाम जो बल है यहाँ पर लगा दिए गए हैं किस तरह से ये भीड़ को रोका जाए, इस भीड़ को रोकने के लिए कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है ठीक हमारे पीछे दिख रही है, लेकिन प्रशासन के जो लोग हैं पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है। कमांड को संभालते हुए रांची के SSP किशोर कौशल भी है, DC राहुल सिन्हा भी है, इसके अलावा जो तमाम जो अधिकारी है वो अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस तरह से जो हुजूम है
वो देखिए वाटर कैनन का भी यहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ठीक हमारे बगल में वाटर कैनन का इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि इस भीड़ को किस तरह से छितर बितर किया जाए। ये देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये सीधी तस्वीर देखिए हमारे न्यूज स्टेट बिहार झारखंड चैनल के माध्यम से। बिल्कुल सूरज जानना चाहेंगे भीड़ को कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए देखिए किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर। जी बड़ी खबर, हम अपने दर्शकों को बता दें ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर दिखा रहे हैं। कार्यकर्ताओं की भीड़ को प्रोजेक्ट भवन जाने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग काम ना आया तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू किया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको सबसे पहले न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर दिखा रहे हैं। बैरिकेडिंग को तोड़कर जब बीजेपी के कार्यकर्ता प्रोजेक्ट भवन की ओर आगे बढ़ने लगे तो वहां मौजूद वाटर कैनन से कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास पुलिस कर रही है। ये देखिए पानी की बौछार बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ पर ताकि वो बैरिकेडिंग पार न कर सके। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर आपको दिखा रहे हैं। और अब पुलिस की टीम में भी हरकत दिख रही है, पुलिस के अधिकारी पुलिस कर्मी आगे बढ़ रहे हैं, सभी के हाथों में डंडे। कार्यकर्ता जो बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर आपको दिखा रहे हैं। कोशिश की जा रही है वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप सुन सकते हैं बार बार पुलिस की टीम की ओर से अनाउंस किया जा रहा है कि बैरियर तोड़कर आगे ना बढ़ें, इलाके में धारा 144 लागू है। राज्यसभा सांसद भ्रष्टाचारी सरकार, अराजकता की सरकार, ये सरकार चलाने नहीं पा रहा है। और ये जो है लोगों को जनता छोड़ के ये आज जो है बीजेपी ये जो रैली निकाली है तो कुचलने का काम ये हेमंत सरकार कर रही है। ये जो है भ्रष्टाचारी, आपके कार्यकर्ताओं के ऊपर में किस तरह आपके कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी चलाई गई। अरे हमारे ऊपर ये सिर में लाठी चला रहा है। ये जो सिद्ध है केवल लाठी नहीं चलाया जा रहा है, ये जो है हत्यारी सरकार है, ये हत्या। ये राज्यसभा सांसद समीर उरांव है, भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद। समीर जी आपके बाकी नेताओं ठीक है रोकने की कोशिश की जा रही है प्रशासन के द्वारा। राज्यसभा सांसद समीर उरांव है और ये भी चोटिल हुए, इन्हें भी चोट लगी है। समीर जी आपको भी ये जो है ये मुझे चोट नहीं लगी है, ये झारखंड की जनताओं को चोट लगाने का काम, मारने का काम ये हेमंत सरकार कर रही है, हेमंत सरकार कर रही है। ये जो है केवल राज्य की जनता को लूट से मार रही है, चोरी से मार रही है, हत्या से मार रही है। और आज जो उनके मांग करने पर जो राज्य के जनता की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी, चलिए ठीक है समीर जी आप भी चोटिल हुए हैं, अब ठीक हमारे पीछे देखिए किस तरह से कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की जा रही है। तमाम जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर मुस्तैद है। देखिए किस तरह से जो राज्यसभा सांसद से मिले इनके कार्यकर्ता है उन्हें भी यहाँ पर रोकी जा रही है, क्योंकि ये हालांकि देखिए बैरियर पार करके सांसद यहाँ पहुंच चुके हैं लेकिन इन्हें भी यहाँ पर रोका जा रहा है। कुछ और तस्वीरें मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट अमित के माध्यम से दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को। ये महिला मोर्चा की भी तमाम जो नेत्री है वो भी यहाँ पर नजर आ रही है। एक बार देखिए ये ठीक हमारे सामने में देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मैडम